तो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू काउंटिंग द नोट्स। तो अभी मेरे पॉकेट में है नोट्स, तो अभी इसको लगा, तो ये निकल गए नोट्स। तो ये इसमें टोटल 2 रबड़ होते हैं। तो हम पहले ये ब्लैक वाला रबड़ उतारेंगे, तो ये ऊपर होता है, तो उसको मैंने उतार दिया। तो आप देखो कि रबड़ गांधी जी के ईयर के पास है, ओके। तो अभी मैं इस रबड़ को उतारूंगा और अब मैं देखूंगा मेरे नोट्स उल्टे हैं कि नहीं। अगर जब वो उल्टे होंगे तो लक्ष्मी ज़्यादा नहीं आएगी, अगर जब वो सीधे होंगे तो लक्ष्मी ज़्यादा आएगी। तो मैं देखता हूँ सीधे हैं कि उल्टे हैं। तो ये वाला नोट उल्टा है, तो अब मेरे को इसको सीधा करना है। तो मेरा शायद से ये एक नोट ही उल्टा है, तो अभी इसको मैंने कर लिया सीधा। तो अब मैं इसको सीधा ऐसे रखना है, तो ये सीधा हो गया। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गांधी जी के ईयर के पास डालना है, तो मैं अभी गांधी जी के ईयर के पास डालूंगा। तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ करना है, तो देखो ये गांधी जी की ईयर के आगे आ गया। तो मैं इसकी आपको काउंटिंग करनी सिखाऊंगा। तो हमें इसको ऐसे बंद करना है और ये 100 की नोट से मैं स्टार्ट करूंगा। 100, 50, 70 ऐसे ऐसे। तो गाइस ये टोटल मनी है 400। कि मैंने आपको बताया हाउ टू काउंटिंग द नोट्स, और आप अपने मम्मा पापा से 10, 10, 20 और 50 के नोट्स लो और उनकी प्रैक्टिस करो। अगर जब आपको समझ ना लगे आप मेरी वीडियो शुरू से फिर से देखो। और मेरी एक बात है, आप इनको नोट्स को बिल्कुल सीधा रखो, और अगर जब आप सीधे रखोगे तो लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा आएंगी। अगर जब आप नोट सीधे नहीं रखोगे तो लक्ष्मी जी बहुत कम आएंगी। तो लाइक करो, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करूँगा, लक्ष्मी जी भी आपको बहुत लाइक करूँगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करो।